आज हम बनाने जा रहे हैं दम आलू, जिसकी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। पहले मैंने आलू को बॉईल कर लिया है। 8-10 आलू आप जितना भी बनाना चाहें उनको एक सीटी बजा लें, वॉश करके उनको कुकर में डाल के एक सीटी लगा लें। चुके हैं एक सीटी के बाद आप इसको प्रेशर में ही रहने दें। अब हम प्याज, लहसुन, लाल सूखी मिर्चें, अदरक, थोड़े से काजू, ये सारी चीज़ें ले लेंगे। इनको मोटा मोटा काट लेंगे। गैस ऑन करके एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें तेल डालकर गर्म हो जाने पर अब हम सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। प्याज, काजू, अदरक, लहसुन और सूखी मिर्चें। चला देंगे, उसको भूनने देंगे। भूनने को तैयार ही मेरा मसाला गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर डालेंगे। अब ये खट्टा पकता रहेगा। जब तक के मेरा मसाला हो रहा है, मैं आलूओं में ऐसे फोर्क की हेल्प से छेद कर लूँगी ताकि मसाला पूरा अंदर तक जाकर कोट हो। आप अच्छे से हाथ में लेके मसाला कोट होने के लिए इसमें अच्छे से फोर्क की मदद से छेद करें, हल्का हल्का सा फोर्क करें। मैं एक और फ्लेम ऑन करके कढ़ाई चढ़ाऊंगी। इसमें हम आलू को थोड़ा सा शैलो फ्राई या डीप फ्राई, जैसे आपकी इच्छा आप कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, साथ साथ में अपने आलू को भी फ्राई कर लेंगे। टमाटर डालने के बाद हमने थोड़ा सा नमक डाला है ताकि हमारे टमाटर और सारे मसाले अच्छे से पक जाएं, जल्दी पक जाएं। बस मेरा मसाला भूनने वाला है। मैं इसको ठंडा करके फिर पीस लूँगी। मैं इसी कढ़ाई पे थोड़ा सा तेल डालूँगी। मैं इसमें जीरा और कुछ खड़े मसाले डालूँगी, इलायची, तेज़पत्ता और थोड़ी सी दालचीनी। जो हमारा पिसा हुआ मसाला है अब हम उसको डालेंगे इस कढ़ाई में। अब इस मसाले को हम भूनने देंगे। जब तक ये तेल छोड़ेगा तब तक हम अपने आलू को फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको बॉईल करेंगे, तेल फ्राई करेंगे। अब ये आलू मेरे फ्राई होने वाले हैं। बाकी आलूओं को अब मैं निकाल लूँगी। मेरा मसाला भी रेडी होने वाला है। मैं इसमें थोड़े बहुत सूखे मसाले मिलाऊंगी, जैसे कि लाल मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर। जब ये हो जाएगा तो थोड़ा सा बाद में पानी डाल के भी जब ये तेल छोड़ देगा तो मैं इसको भूनूंगी। जितना आप अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा मसाला आपका बनेगा। अब ये मेरा मसाला अच्छे से मैं और भूनूंगी, पूरा तेल छोड़ देगा। चाहे तो आप तेल में भी सूखे मसाले डाल सकते थे, मिर्ची वगैरह अच्छा कलर देता, बट लेकिन ज़्यादा तेल गर्म होने पे मसाले जल सकते थे, इसलिए हमने बाद में डाला है। जैसे इसमें अब ये तेल छोड़ रहा है, आप देख सकते हैं साइड से मसाला तेल छोड़ने लगा है। अब मैं इसको पानी डाल के भून लूँगी और पानी आप अपने अंदाजे से डाल सकते हैं क्योंकि आलू पानी पीते हैं, और फिर वरना आपकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा सूखी सूखी बनेगी। आप जैसी चाहे वैसी ग्रेवी बना सकते हैं। मैं हरी मिर्ची थोड़ी बहुत काट के आखिरी में फ्लेवर के लिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, थोड़ी सी डाल दूँगी। मसाला हो गया है। अब मैं इनमें आलू को मिक्स करूँगी। जो भी मैंने फ्राई किए थे आलू मैं सारे इसमें डाल दूँगी। थोड़ी पतली ग्रेवी बनाई है क्योंकि घर के हिसाब से, और आप इसको ज़्यादातर जब आपके कोई गेस्ट आने वाले हो तो आप ड्राई टाइप की ग्रेवी बना सकते हैं, वो भी बहुत स्वाद लगते हैं।
ये मैंने थोड़ा ग्रेवी वाला बनाया है, आप देख सकते हैं इसका कलर। अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी, हल्का सा अमचूर भी मैं डालती हूँ, आप भी चाहे तो डाल सकते हैं वरना स्किप कर दीजिए। ये हल्का सा अमचूर पाउडर, गरम मसाला करूँगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने घर पे बना कर देखें कैसा लगा आपको मेरा दम आलू। बस ये थोड़ा सा और पकेगा, मैं इसको ढाक के नहीं पकाई, सब कुछ खुला करके पकाई। आप बताएं मुझे ज़रूर कमेंट करके कि आपको मेरी कैसे लगी रेसिपी दम आलू की ग्रेवी वाले। अब मैं इसको बाद में गार्निश करूँगी धनिया से, ये मैं अब धनिया डाल रही हूँ। आप ज़रूर ट्राई करें अपने घर पे, ये मेरा दम आलू आप देख सकते हैं ग्रेवी वाला है और खाने में एक नंबर लगता है, बहुत टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा। प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।